ताजनगरी आगरा पुलिस को चोरों की खुली चुनौती। असम राइफल्स के जवान के घर से लाइसेंसी पिस्टल के साथ साथ 10 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों के साथ साथ लगभग 30,000 रुपए की चोरी हो गई है और चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ताजनगरी आगरा के थाना कागरौल क्षेत्र के गांव रिठौरा में देखिए किस प्रकार एक असम राइफल्स के जवान के घर से देखिए किस प्रकार हवलदार ओमपाल सिंह जो कि असम राइफल्स में तैनात है उनके घर पर उनके माता पिता रहते हैं, माता चंद्रकला देवी तो पिता अमर सिंह दोनों ही घर पर रहते हैं और बीती रात देखिए देर रात किस प्रकार चोरों ने उनके मकान को निशाना बना लिया है। चोर उनके घर में रखे लाइसेंसी पिस्टल के साथ साथ आपको बता दें कि घर से रखे सोने चांदी के आभूषण जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए मानी जा रही है और 30,000 रुपए की नकदी को चुरा कर ले गए। माँ चंद्रकला ने बताया है कि वह छत पर सो रही थी और उनके पति अमर सिंह नीचे सो रहे थे, इसी बीच चोर छत के रास्ते से मकान के अंदर घुसे हैं और मकान के अंदर कमरे में रखे संदूक से चोरों ने देखिए किस प्रकार ताला तोड़कर घर में रखे 30,000 रुपए की नकदी के साथ साथ सोने और चांदी की कीमती आभूषण जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए मानी जा रही है चुरा लिए हैं और साथ ही साथ हवलदार ओमपाल सिंह की जो लाइसेंसी पिस्टल थी वो भी रखी थी उसको भी चुरा लिया है और चोरों ने देखिए किस प्रकार पुलिस को कहीं ना कहीं खुली चुनौती दी है। अब देखना होगा पुलिस इस घटना का खुलासा कितने दिनों में कर पाती है। दरअसल जैसे ही माँ चंद्रकला घर से नीचे आई और उन्होंने देखा तो उनके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, यह देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके पति को भी बताया और इसी बीच सूचना मिलते ही ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए और उन्होंने पीआरबी को भी सूचना दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम पर जानकारी देते ही पीआरबी 39 मौके पर पहुंची और साथ ही साथ थाना कागरौल पुलिस भी मौके पर पहुंची है और चोर की घटना चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। अब देखने वाली बात यह होगी चोरी की इस घटना को का खुलासा पुलिस कितने दिनों में कर पाती है, ये पुलिस के लिए कड़ी चुनौती सामने दी है। देखिए चोरों ने किस प्रकार पुलिस को एक कड़ी चुनौती दी है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। राजनगरी आगरा की पुलिस जहां लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार बदमाशों के पैर में गोली मारती हुई दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं चोर बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गांव रिठौरा थाना कागरौल क्षेत्र का है। रिठौरा में जहां अमर सिंह अपने परिवार और पत्नी के साथ रहते हैं, बताया गया है कि देर रात लगभग 3 बजे के आसपास दो बदमाश उनके घर में आए हैं और घर के अंदर रखी एक पिस्टल के साथ साथ लगभग 10 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों के साथ साथ 30,000 रुपए की नकदी को भी ले गए हैं। बुजुर्ग माता पिता का कहना है कि उनके बेटे असम राइफल में नौकरी करते हैं जिसके चलते उन्हीं की पिस्टल घर पर रखी थी, वहीं कुछ बेटे बाहर नौकरी करते हैं। परिवार का रो रो का बुरा हाल है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या पुलिस इस घटना का कितनी जल्दी खुलासा कर सकती है। चोप सिंह सक्सेना आगरा। चंद्रकला है। तो कौन सा काम है तुम्हारा? रिठौरा। हाँ आएगा आज तुम्हारे यहाँ? चोरी भई है। कैसे चोरी है? तुम्हें कैसे जानकारी भई? अब न्यू भई के मैं मड़ा पे सो रही, सो मड़ा पे ते आई तो वे दरवाजे खुले पाए मुए, वो बाक जीना को पायो कबराऊ को पायो, मैं पीसनो बनाए भी जा रही तो सूप ले भी जा रही भीतर, मैंने कही मैं दरिया धरूंगी। के बजे जानकारी भई तुमने? मुए भई है 5 बजे आई मैं मड़ा पे ते सुबेरे। हाँ तो सवेरी मुझे खुले पाए, फिर मैं नियुक्ति भेसने बांध के फिर मैं कबरा में गई तो मुझे दरवाजे कबरा खुले पाए, सिंदूक पाई है सवरी खुली, फिर मैंने देखे और तो थैला में पिस्टल नहीं फौजी की और 10 अंगूठी 3 लड़ा 1 कॉलर और चुरी 4 ठोस और 8 जोड़ी तोड़ी आई और कोंदनी 2 बहुन की सोने की चांदी की और 10 अंगूठी सोने की और 3 लड़ा 1 कॉलर।
अच्छा रुपये हुए कछु रुपया 60,000 50 तो पहले निकले और 25 अब निकले। अच्छा पैसा काहे को डर रहा है दोनों पैसा अब देखो जेब खर्चा को अपन एक पैसा तो रहते घर आ रही है बीमारी है देखो सब न को राखते पुलिस पुलिस जानकारी दे दी आपने दे दी ये सब पुलिस लिख ले नियम पे लिखवा दे कॉपी में मैंने सवरी को रहते जाठिया मैं रहती हूँ और जे रहते हम दो ही रहते और बहू रहते बेटा का करता है बेटा बेटा एक दुबई में एक माए पंजाब में नहीं जी रिवाल्वर जो पिस्टल चोरी हुई का जी कौन ही वही है जी ओम पालक ही वही है वो आसाम राइफल में बेटा है तुम्हारे हाँ बेटा है जी। तो पुलिस बताया पुलिस हाँ को बताइए लिख लेंगे वे सब लिख लेंगे पुलिस वाले फोटो करवा ले गयी जिन्हें कौन से आते सब में नेट कर ले गयी फोनों में पढ़ना। मेरा नाम बच्चू सिंह है मैं गांव रिठौरा का रहने वाला हूं। आज क्या मामला है यहां पर ये आज करीब 2 से 4 के बीच में इनके घर में ऐसे कैमरा के अनुसार चोरी हुई है जिसमें घर का कमरे का संदूक का ताला तोड़ के करीब कैश है 35,000 का और ज्वेलरी वगैरह है आभूषण है सोने चांदी के करीब 10 लाख के और एक पिस्तल है इनके बेटे की वो चोरी हो गई है। तो पुलिस मौके पर आई थी या नहीं पुलिस, हाँ पुलिस को फोन किया गया था फोन पुलिस मौके पर आई पूरी तस्वीर की है और इसके बाद वो आगे की कार्रवाई करेगी ये अभी पता नहीं है क्या होगा आगे। तो ये पिस्टल घर में रखी थी किन की रखी थी पिस्टल इनके बेटे की रखी थी वो जो बीएसएफ आसाम राइफल में है तो वो अभी छुट्टी आए थे तो यहीं छोड़ गए थे और तो उसी दौरान ये हादसा हुआ।